We've all heard about a six-year-old who was rescued by the NDRF team after, I think, close to 2 hours. The canine who was instrumental in that rescue is this four-legged one. This is Julie and her handler, Kundan Kumar. Kundan ji, hume bataya gaya ki ek 6-year-old ki bachchi ko dhoond ke nikalne mein Julie ne bahut bada role play kiya. Aap hamare darshakon ko bata sakte hain us din kya hua tha, kisko dhoond rahe the aur kaise Julie ne isme role play kiya? हम लोग अपने कमांडर के आदेशानुसार हर जगह जगह पे कुलस बिल्डिंग के पास में सर्च करा रहे थे, तो एक 6 मंजिला बिल्डिंग थी जो काफ़ी घिरी हुई थी, तो हमारे कमांडर के आदेशानुसार वहाँ भी बताया गया सर्च कराने के लिए। तो हमने सबसे पहले जूली को चढ़ने के लिए रास्ता बनाया, उसके बाद जूली को छोड़ा तो इसने लाइफ विक्टिम का सेंट इसे मिला और इन्हें डिगिंग बाइंग करके मुझे इंडिकेशन दिया। कैसे इंडिकेट करती है? पूछ जैसे ये भौंकती है और डिगिंग करने शुरू कर देती है। अच्छा। उसके बाद हमने कंफर्मेशन करने के लिए दूसरा डॉग रोमियो को छोड़ा। रोमियो ने भी सेम यही है रोमियो। उसके बाद रोमियो ने भी सेम इंडिकेशन दिया, तो इसे कन्फर्म हो गया कि यहाँ पर लाइफ विक्टिम है। इसकी सूचना मैंने अपने ऊपर अधिकारियों को दिया, उसके कुछ समय बाद वहाँ से एक जिंदा 6 साल की बच्ची को सकुशल निकाला गया। आप रोमियो के हैंडलर हैं अभय जी, इंसानों को तो बहुत शुक्रगुजार हैं ही टर्की वाले, बट इन कैनाइंस को जो बोल नहीं सकते, जब इन्होंने रेस्क्यू और रिलीफ में कंट्रीब्यूट किया, हमें यहाँ भारत पे सुनने को मिला कि बाकी जगहों से भी इनकी डिमांड आने लगी कि इन्हें भेजिए रेस्क्यू रिलीफ के लिए, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा हमें? बिल्कुल, इस ऑपरेशन के दौरान हमारे जूली और रोमियो ने इस ऑपरेशन के दौरान हीरो हो गए, क्योंकि इन्होंने एक ऐसा क्रिटिकल जगह पे जहाँ पे माइनस में टेम्परेचर था, काफ़ी क्रिटिकल था, खाने पीने के लिए रहने सहने के लिए भी प्रॉब्लम हो रहा था, वहाँ पे जाके इन्होंने अजिश्या कार्य किए, जाके सारे देशवासी सारे अपने देश वाले सभी कोई मतलब फेमस हो गए। पहले कभी आप इनको हैंडल करते रहे, 6.5 साल की उम्र है दोनों की, तो पहले कभी इनका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है? बिल्कुल, इन लोगों को हमने 1 साल से रखा हूँ। इसके पहले हमने गंगा सागर मेला ले गए थे, जो कि वेस्ट बंगाल में गंगा सागर मेला लगता है। हाँ। वहाँ पे हमने इनको भी ले गया था और भी जगह जगह पे अपने यूनिट लेवल पे इनसे डेमो कराते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं, वहाँ पे भी इन्होंने बहुत अच्छे, ये दोनों भाई बहन है। अच्छा। ये दोनों बहुत अच्छे मतलब फेमस है, ये इतने फेमस है कि हम क्या बताएं आपसे, पूरे अभी यहाँ पे पूरे फेमस हो गए, विश्व में भी फेमस हो गए। आखिरी सवाल कुंदन जी, जूली के बारे में कुछ बताएं, खाने में क्या पसंद है, काम के अलावा और कैसे इसको आप एंटरटेन रखते हैं, क्या करते हैं? जूली को तो फ्रेश फूड ज़्यादा पसंद है, अगर इसे चिकन वगैरह दिया जाए तो काफ़ी अच्छा लगता है इसे। तो वहाँ खाने का इंतजाम कैसे किया आपने? वहाँ खाने का तो हम यहाँ से अपना खाना पैकेट खाना लेकर गए थे जूली के लिए, कैटेगरी वगैरह सब लेकर गए थे यहीं से। और ठंड से कैसे बचाया उसको? ठंड से हमारे पास अवेलेबल क्लॉथिंग मिल चुका था, इसे हमको ज्यादा महसूस नहीं हुआ ठंड। डॉग्स के लिए भी? डॉग्स के लिए भी मुझे क्लॉथ मिल चुका था। और जब वो वहाँ से वापस आई है, एयरक्राफ्ट से एक डॉग के लिए उड़कर जाना, फिर वो अलग एनवायरमेंट में रहना, क्या डिस्ट्रेस नहीं होता? थोड़ा परेशानी तो पहले दिन हुआ था, लेकिन अगले दिन से थोड़े सेट हो गए थे। कैसे परेशानी हुआ था अगर थोड़ा बता पाए? जैसे हमारा देश का मौसम अलग है, वहाँ पर माइनस में टेम्परेचर था, हम अचानक से वहाँ उतरे तो काफ़ी सर्दी लगी, डॉग को भी महसूस ठंड होने लगी, लेकिन अगले दिन से डॉग भी सेट होने लगे धीरे धीरे। ओके, यू कैन सी बोथ जूली एंड रैम्बो आर गेटिंग अ लिटिल रेस्टलेस, या वी लेट देम गो, बट दीस टू अलोंग विद कुंदन एंड अभय आर आवर हीरोज, पीपल एंड कैनाइंस हु हैव मैनेज्ड टू हेल्प अ 6-year-old कम आउट। ऑफ कोर्स दैट स्टोरी इज हार्ट वार्मिंग। ऑफिशियल्स हियर टेल अस हाउ हर मदर हैड रैप्ड हरसेल्फ अराउंड दैट 6-year-old। एवरीबॉडी एल्स इन दैट फैमिली डाइड, बट बिकॉज ऑफ हर मदर्स लव एंड बिकॉज ऑफ जूली एंड रैम्बो एंड द रेस्क्यू टीम ऑफ NDRF, दैट 6-year-old has survived to tell the story of the disaster that struck Turkey.